नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही बहुजन समाज पार्टी यानी यूं कहें कि मायावती को हल्का करके आंक रहे हों, लेकिन मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी कहीं किसी मामले में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यानी मायावती को या बहुजन समाज पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत हल्के से नहीं लिया जा सकता है। जी हाँ, मायावती की रणनीति ऐसी होती है जो चौंकाने वाली होती है। अक्सर इस बार भी यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है वह न केवल चौंकाने वाली है बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगता दिख रहा है। तो वहीं अपोजिशन अलायंस यानी इंडी गठबंधन को भी तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका वोट बैंक यानी कैडर वोट बैंक वही उसका सबसे बड़ा आधार होता है, जिसे कोई भी राजनीतिक दल खोना नहीं चाहता है। अब सामान्य तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है। अब आबादी की दृष्टि से देख लें तो उत्तर प्रदेश की आबादी 24 से 25 करोड़ के बीच में है। तो वहीं देश की 543 संसदीय सीटों में 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। खास तौर से देखें तो उत्तर प्रदेश ही देश की यानी केंद्र की सत्ता का द्वार खोलता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में जिसे बहुमत हासिल होता है यानी जिसकी सबसे अधिक सीटें आती हैं वही केंद्र में शासन करता है, यानी उसी की सरकार बनती है, उसी की सत्ता होती है। तो उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में है। तो वहीं अपोजिशन अलायंस भी अपने गठबंधन अपने समझौते के साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के चुनाव मैदान में है। इसमें सबसे अधिक सीटें यानी समझौते में सबसे अधिक सीटें यदि किसी को उत्तर प्रदेश में मिली है तो वह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 62 सीटें हैं जिन पर वह चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से अपोजिशन अलायंस के मुख्य घटक दल कांग्रेस को 17 सीटें समझौते मिली हैं। इस तरह से कांग्रेस यूपी के 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस या यूं कहें कि ममता बनर्जी को यूपी में समझौते में 1 सीट मिली है। इस तरह से अपोजिशन अलायंस यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में है। अब अपोजिशन अलायंस जब बना यानी जब इंडी गठबंधन बना, अपोजिशन अलायंस बना, उस समय भरपूर कोशिश की गई और हर संभव कोशिश की गई कि किसी भी तरह से मायावती को यानी बहुजन समाज पार्टी को अपोजिशन अलायंस में शामिल किया जाए, लेकिन मायावती ने साफ इनकार कर दिया अपोजिशन अलायंस में जाने से और अकेले दम पर यानी इकलौता चलो की राह पर निकल पड़ी मायावती उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में वह अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में है। अब वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में लोकसभा की 62 सीटें आई, इनमें से 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इन 58 सीटों में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कुनबे के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें खास तौर से देखें तो मैनपुरी से डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी है, तो वहीं बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया गया था लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। तो वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव या ये भी मुलायम सिंह यादव परिवार से हैं, अक्षय यादव को फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। इस तरह से समाजवादी पार्टी अपने कुनबे से 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। अब ले दे करके समाजवादी पार्टी की एक परंपरागत सीट बचती है कन्नौज। कन्नौज से संभवतः या तो मुलायम सिंह यादव परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या फिर अखिलेश यादव चुनाव मैदान में होंगे।
तो इस तरह से अब तक 4 प्रत्याशी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कुनबे से संसदीय चुनाव के मैदान में हैं। अब वैसे देखें तो बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती का अगर असल देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। हालांकि दलित वोट बैंक पूरे देश में है, लेकिन जिस तरह से मायावती का अपना प्रभाव यानी बहुजन समाज पार्टी का अपना प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखता है, वैसा अभी तक पूरे देश भर में नहीं दिखा। तो मायावती ने इस बार उत्तर प्रदेश में गहरी चाल चली है, रणनीति चली है, जिससे विपक्ष यानी मायावती का जो विपक्ष है यानी चाहे वह विरोधी दल कह लें, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इसने मायावती की रणनीति इस सभी दलों को चौंका दिया है। राजनीतिक हालात अगर देखें तो मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरता चला जा रहा है। और यह देखें 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को केवल एक सीट मिली थी। इस तरह से देखें तो उसका कैडर वोट एक तरह से खिसकता चला जा रहा था, वह कमजोर पड़ती जा रही थी बहुजन समाज पार्टी। लिहाजा अब बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने एक नई रणनीति अपनाई। वैसे सामान्य तौर पर यह कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में सेकेंड लाइन यानी जो सेकेंड लेयर होती है नेताओं की, उसकी कमी है। तो इसको देखते हुए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इस तरह से सेकेंड लाइन तो बन गई, लेकिन जो वोट बैंक उसका कार्डर वोट बैंक खिसक रहा था उसको बचाने के लिए अब मायावती ने एक नई रणनीति अपनाई है। इस नई रणनीति के तहत मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस अब अपने कार्डर वोट बैंक पर है, क्योंकि कार्डर वोट बैंक अगर खिसक गया तो मायावती हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इसके अस्तित्व पर ही बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने यानी बहुजन समाज पार्टी ने 8 कैंडिडेट अपने कार्डर से यानी अपने जो उनका कोर वोट बैंक है, जो उनका अपना कोर एरिया है यानी जो कैडर है, उससे 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। तो इस तरह से एक भरोसा दिलाया गया है कि कैडर की उपेक्षा बहुजन समाज पार्टी में नहीं होगी। इतना ही नहीं, 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं कैडर से। इनमें खास तौर से देखें तो हरदोई है, लालगंज है, आजमगढ़ है, फूलपुर है, इस तरह से 8 संसदीय क्षेत्र हैं जहां से कैडर के प्रत्याशियों को कैडर को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। इतना ही नहीं, कैडर के इन प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी बहुजन समाज पार्टी और मायावती करेंगी, और इन सभी 8 सीटों पर मायावती न केवल चुनाव प्रचार करेंगी बल्कि जिताने के लिए पूरी जी जान से कोशिश भी करेंगी। यानी वह इन 8 सीटों पर पूरा फोकस करेंगी ताकि यह सभी 8 सीटें निकल सकें, बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ सके। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि आखिर यह 8 सीटें कौन सी हैं जहां पर मायावती ने अपने कैडर पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने कैडर के कार्यकर्ताओं को जिन संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया है या प्रत्याशी घोषित किया है, उनमें खास तौर से देखें तो हरदोई सुरक्षित सीट है, फूलपुर है, आजमगढ़ है, रॉबर्ट्सगंज है, बुलंदशहर है, जालौन है, कौशाम्बी है, लालगंज है। इनमें हरदोई सुरक्षित सीट से भीमराव अंबेडकर, फूलपुर से जगन्नाथ पाल, आजमगढ़ से भीम राजभर, रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटो और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम, कौशाम्बी से शुभ नारायण, लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी को चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। इस तरह से बसपा ने इन 8 संसदीय क्षेत्रों से अपने कैडर के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, और इन सभी सीटों पर, इन सभी क्षेत्रों पे मायावती का पूरा फोकस है कि किसी भी तरह से यह सीटें निकालनी है, यानी इन सीटों के प्रत्याशियों प्रत्याशियों को सांसद बनाना है, जिससे कैडर में एक विश्वास बढ़े, कैडर में एक भरोसा बने कि बहुजन समाज पार्टी में केवल दरी बिछाने तक का ही काम सीमित नहीं है बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए भी मायावती ले जा सकती हैं। अब वैसे देखें
तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में खिसकते जनाधार को बांधे रखने के लिए कैडर के लोगों को टिकट देकर समाज में अपने यानी बहुजन समाज पार्टी में एक नया संदेश देने का काम किया है। यह भी बताने की कोशिश की है कि उनके लिए समाज ही यानी बहुजन समाज यानी दलित समाज ही सर्वोपरि है। बसपा केवल बातें नहीं करती है बल्कि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। बसपा ने जिस तरह से अभी तक काडर के 8 नेताओं को टिकट दिया है, इतना ही नहीं इनके प्रचार का जिम्मा भी मायावती ने उठाया है। वह उनके लिए क्षेत्रों में जाएंगी और प्रचार करेंगी, जिससे यह संदेश दलितों में जा सके कि असली दलितों की शुभचिंतक केवल मायावती है। अब बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 10 लोकसभा की सीटों पर विजय हासिल की थी, यानी चुनाव जीता था। अब देखें कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बसपा का मत प्रतिशत क्या रहा, तो उस पर नजर दौड़ाएं तो देखें 2009 में 20 सीटें जीती थी जिस पर 27.4% मत प्रतिशत हासिल हुआ था। तो 2014 में 19.06% मत हासिल हुआ था, लेकिन लोकसभा की एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी बहुजन समाज पार्टी। अब इसी तरह से देखें तो 2019 में 10 लोकसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, इसका मत प्रतिशत था 19.43। तो इस तरह से देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिल पाई थी बहुजन समाज पार्टी को। तो इस तरह से देखें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक या कैडर वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा था, जिसको बचाने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने कैडर से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी अपना कैडर वोट कितना बचा पाई है, यह चुनाव परिणाम के बाद दिखेगा। लेकिन जिस तरह से मायावती ने एक पहल की है और मायावती ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए जो एक दांव खेला है, वह निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बाहर यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा को चौंकाने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए हैं, उससे कई जगह कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर को यानी अपने वोट बैंक को भरोसे में लेने के लिए यह दांव चला है। अब मायावती का यह दांव कितना कारगर होगा, यह तो चुनाव परिणाम बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल जो दांव चला है कैडर पर मायावती ने, वह निश्चित रूप से कैडर में यानी कार्यकर्ताओं में या वोट बैंक में एक जोश भरेगा, निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।